कर दोस्तों, मीत सीरियल के आने वाला एपिसोड काफी दिलचस्प देखने को मिलेगा जब एक बार फिर से लैला करने जा रही है अटैक। क्योंकि दोस्तों लैला को जो मैसेज भेजा था ना वो मीत अलावत ने, लेकिन दोस्तों उस मीत अलावत के मैसेज को हालांकि बर्फी देवी ने डिलीट मार दिया था, लेकिन वो बातचीत सुन ली थी। लेकिन दोस्तों अब जिस तरीका से वो एक गैराज में आए थे मीत हुड्डा और मीत अलावत, उस गैराज का पता था उस मीत अलावत को जाने का, क्योंकि इस समय बर्फी देवी की बेटी नीलू यानी कि एक बार फिर से लैला के रूप में आ चुकी है। और लैला के रूप में आने के बाद में सिर्फ उसका एक ही टारगेट है कि किसी भी तरीका से मैं इन लोगों को ख़त्म कर दूं। जी हाँ, ख़त्म करने का प्लान मीत अलावत के लिए नहीं बल्कि मीत हुड्डा को अलग करना चाहती है। और मीत हुड्डा को इसलिए अलग करना चाहती है ताकि हमेशा हमेशा के लिए वो मीत अलावत के करीब रह सके लैला। जी हाँ, लैला के सिर पर एक ऐसा भूत सवार हुआ है कि वो अब कुछ भी कर सकती है, क्योंकि बर्फी देवी ने दूध दिया था नीलू को पीने के लिए, लेकिन दोस्तों उस दूध को नीलू ने पिया नहीं था बल्कि उसे पानी में सरा दिया था। और जो कि उसे लग रहा था बर्फी देवी को कि हाँ, मैंने इसमें नींद की गोली दी है, अब नीलू कहीं नहीं जाने की। लेकिन दोस्तों उसकी चालाकी वाकई में बहुत ज़्यादा खतरनाक है। वो इस चीज़ को समझ चुकी थी कि कुछ ना कुछ मेरे साथ में ये घटित हो रहा है, और इसीलिए लैला अपने काम को एक नया अंजाम देने की कोशिश कर रही है। दोस्तों मेरा नाम है रोहित नागर, आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि आने वाला एपिसोड वाकई में आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा दिलचस्प देखने को मिलेगा जब आप लोग देख पाएंगे कि एक बार फिर से बर्फी देवी की बेटी नीलू ने अपना चेहरा तो ढक लिया है, लेकिन दोस्तों वो चेहरा एक्सपोज होता हुआ नजर आने वाला है, क्योंकि मीत हुड्डा भी जल्द से जल्द एक बार फिर से नए रूप में वापसी करेगी, क्योंकि मीत हुड्डा पर ही अटैक करेगी इस बार नीलू। क्योंकि नीलू की अगर बात की जाए तो वो इस समय लैला के किरदार में है, और लैला के किरदार में वो मीत हुड्डा पर सबसे ज्यादा भारी पड़ती हुई नजर आने वाली है। आप लोगों से मैं रोहित नागर हाथ जोड़कर अनुरोध करना चाहूंगा चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद में वीडियो को लाइक करें एंड कमेंट करके आप लोग मेरे को जरूर बताएं गाइस आपको मेरी वीडियो कैसे लग रही है। गाइस थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, लव यू।